मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की जरूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितने स्पीड में इंजन चलता है उतने स्पीड में डब्बे चलते हैं। प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच में काम करने की नसीहत दी। मंगलवार को भारतीय समाज पार्टी जखनिया विधानसभा संगठन की समीक्षा बैठक हंसराजपुर कैंप कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने ऐलान किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि राजभर लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। राजभर की नाराजगी अखिलेश की निष्क्रियता को लेकर है। आजमगढ़ और रामपुर जैसा गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश पर राजभर जमकर बरसे। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश पर कहा कि उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए। राजभर ने कहा कि एक आदमी 2 महीने से मेहनत कर रहा है और एक आदमी एक दिन मेहनत करके रिजल्ट लेना चाहे तो नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव को क्षेत्र में निकलकर काम करना चाहिए। विधानसभा में बोलने से सरकार नहीं बनेगी और ना ही जीतेंगे। आप भी सुनिए राजभर ने क्या कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता 2022 में जो उन्होंने काम किया, नामिनेशन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कराना, एक एक सीट पर दो दो तीन तीन लोगों को दौड़ा देना, उससे इन्होंने सीख नहीं लिया। भाई, इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। ऐसे में देखा गया कि दोनों चुनाव में अखिलेश यादव जी कहीं भी प्रचार कर रहे नहीं, क्या लगता है इसका भी असर पड़ा होगा? 100% असर है। जैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतने स्पीड में डब्बे चलते हैं। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देते हैं। अब रामपुर का चुनाव हो चुका है, रामपुर में अब आजम खान जो है लगातार प्रशासन पर टिकना पड़ रहा है कि प्रशासन की वजह से जो है समाजवादी पार्टी रामपुर में हार गया है। देखिए, प्रशासन, मैं तो पहली बार मैं देखा रिजल्ट वेबसाइट पे, मैंने कल रिजल्ट देखा रामपुर और आजमगढ़ का। तो रामपुर में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बूथ पे 600 वोट 500 वोट 800 वोट है वहाँ कहीं 5 वोट पड़ा है, कहीं 9 वोट पड़ा है, कहीं 4 वोट पड़ा है। तो ये तो इस बात का द्योतक है ना कि प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से, अब फेर करके रखा कि नहीं निकलना नहीं है। तो ये जो मुस्लिम इलाके के वोटर थे उनको सरकार के इशारे पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17-18% कम। आपको बता दें कि राजभर की इस नाराजगी पर सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सरेआम सपा मुखिया पर ऐसी टिप्पणी करने से दोनों दलों के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। अखिलेश को राजभर की यह लताड़ उनकी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सीटों पर अपने दल की भागीदारी को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को तो उन्होंने सख्त लहजे में यह ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सीटों के नाम भी गिना दिए। राजभर के मुताबिक घोसी, लालगंज, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर और आंवला में सुभाषपा चुनाव लड़ेगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।